उस फिर से शाम के खाने की तैयारी। अभी क्या हो रहा है ना कि हल्दी वाना कंप्लीट हो चुका है, अभी दूल्हे को नहलाया जाएगा। वो तो खैर उधर बाथरूम में नहलाएंगे, बाहर तो वैसे ही थोड़ा बहुत संख्या के लिए मतलब हल्दी वल्दी लगाई जाती है, लेकिन जो भी है मज़ेदार है भाई। बाकी लोग लगे हैं इंजॉय कर रहे हैं। शादी वाला क्षेत्र जिस घर में शादी हो रही है यानी रीजा जी और का घर, उस साइड में यहाँ से तो गांव का व्यू है ना भाई, गजब भाई गजब। अभी तो शायद बीच बीच में मतलब जो ढोल वाला है ना भाई, बहुत बढ़िया बजा रहा है, मज़ेदार। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे ना, अभी तो शायद पूरे गाँव का खाना होने वाला है एक ही जगह पर, तो जैसे पूरे गाँव का खाना होगा तो मज़ेदार रहेगा, वो चीज़ दिखाने में काफ़ी मज़ा आता है। और जैसे ढोल दमाओ लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी का माहौल है, मतलब यार मजेदार भाई। बाहर हल्दी वाना जितना भी होना था, नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट, और अंदर में अभी ना पितृ पूजा हो रही है बोला ना, तो दूल्हा नहीं बैठता इसमें क्या? अच्छा उठ गए, अच्छा तो मैं ही देर हो गया, मतलब मुझे ही देर हो गई, बस नींद आ गई थी दरअसल मुझे ना। मुझे भी भाई नाला पहनाया जा रहा है, नालू ना तो नाला पहनाया जा रहा है, तो पंडित जी बना रहे हैं मतलब। वो थोड़ा आएंगे नींद ना एकदम से। पूजा पाठ तो दरअसल चलने ही वाला है, एक दो दिन तक वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस साइड में ना खाने का टाइम हो गया, यानी कि दिन के लंच का टाइम, तो शायद आज पूरे गांव का यहाँ पे खाना पीना ना। यहाँ पर खाना शुरू हो गया, यहाँ पे दूल्हे राजा सारे गांव के लोग, काफी सारे मुझे लग रहा है सारे रिश्तेदार ही है। साथ साथ में मैं भी बैठ गया, दरअसल जगह मिल गई यहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि भूख दरअसल काफी लगी है। साथ में साइड में लोग इंतजार कर रहे हैं, आप देखते हैं पंडित जी देंगे शायद आज। दरअसल होता क्या ना, जब तक सारे लोग हटेंगे नहीं ना बांटने वाले, तब तक पंडित जी यहाँ पे चावल देने नहीं आएंगे, मतलब खाना खाने नहीं आएंगे। जैसे पंडित जी आएंगे फिर उसके बाद में कोई मतलब बांटने वाला नहीं घूमेगा। तो पंडित जी आने वाले वहाँ से सब चिल्ला रहे हैं कि निकलो भाई बाहर, सब लोग भगा रहे हैं। सही है, देखते हैं कितना टाइम और लगता है भाई। फाइनली भाई आ गए पंडित जी चावल लेके। तो शायद उस कोने से शुरू करेंगे भाई, और जैसे ही पंडित जी आए ना, आप देखो बीच में कोई नहीं दिखाई दे रहा बांटने बूटने वाला। यहाँ से अपने साइड में आएंगे वैसे दिखाएंगे, और फिर उसके बाद में खाने के बाद में जो दूसरी टाक बैठेगी ना उसको दिखाएंगे। ये आ गए मीठे चावल भाई, बाहर का ना मीठे चावल खाने में मजा आता है भाई, जो भी है। अभी देखते हैं कौन सी दाल आती है। ऑलमोस्ट खाना यार कंप्लीट हो ही चुका है, अब उठने की बारी है, सब लोग एक साथ में उठेंगे, कोई मतलब पहले नहीं उठ सकता अपनी मन मर्जी से ना। ये यहाँ पर पहाड़ों में जरा मतलब स्ट्रिक्ट रूल होता है खाना खाने का, पंडित जी खिला रहे हैं किसी शादी ब्याह में खिला रहे हैं, तो आप मतलब ये नहीं कर सकते कि खाना आपने जल्दी खाओ तो आप जल्दी उठ जाए, वेट करना पड़ेगा। लगे हैं लोग
उस साइड में तो खाना पीना हो गया, मतलब क्या करें कि लोग कुछ लोग बैठ रहे हैं और कुछ गांव के लोग ना यहाँ पर अपने घर पर खाना लेके जाएंगे, जो कि मतलब उनके घर पे अभी कोई जैसे यहाँ पर आने नहीं होगा या फिर कोई आ नहीं सकता, बुजुर्ग होगा, तो उसके लिए ना लोग यहाँ से खाना अपने घर पे लेके जाएंगे। तो पूरा गांव ही आ गया मुझे लग रहा है, सही है। डिब्बे भरे जा रहे हैं दाल के, चावल के। और उस साइड में नई टाक बैठ गई, यानी कि जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा ना वो लाइन में बैठ गए। हम तो लोगों के डिब्बे कैन भर भर के जा रहे हैं भाई घर वालों के लिए, बढ़िया ना। और साथ में जो दूसरी टाक बैठी है यहाँ पे, जो और लोग बैठे हैं उनको दिखाते हैं भाई खिलाते हुए, बढ़िया। तो सभी लगे हैं ना चावल ले जाने पे, दाल ले जाने पे। दोनों भाई बहन लगे हैं कि मेरी फोटो खींचो। अरे भाई ये तो पोज ही बना रही है, देख रहे हो, बढ़िया बढ़िया खींच गई, खींच दी। हाँ होगी। इवनिंग का टाइम शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं, और वो क्या गया ना कि दिन के टाइम पे तो नींद आ गई थी अच्छी खासी, नींद मतलब अच्छी तरीके से ले ली थी, और खाना उना ये सब चीज़ें कम्प्लीट हो ही गया था। लेकिन अभी के टाइम पर महिला संगीत चल रहा है, ये इवनिंग का टाइम है, तो जितने गांव के लेडीज़ हैं आती जा रही है महिला संगीत को ज्वाइन कर रही है, तो थोड़ा सा दिखाते हैं उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलते हैं घूमने के लिए थोड़ा सा ऊपर की साइड में ना, या फिर गांव जो भी है, जैसे मैं सुबह के टाइम पर बोल रहा था दिन के टाइम पर, तो फिर दिखाते हैं थोड़ा बहुत गाँव घूमते हैं। इस वाले कोने में यहाँ पे ना न्योता लिखा जा रहा है, दरअसल जितने लोग हैं वो यहाँ पे आके अपने नाम पे मतलब न्योता लिखा रहे, जितने भी लोग रहे होंगे या गांव के जितने भी रहे हैं, मतलब थोड़ा सही ना आ दिया। अभी के टाइम पर थोड़ा तैयारी हो गई है मतलब गांव की तरफ में घूमने जाने की, साइड में पूरे कीर्तन ही हो रहे हैं थोड़ी देर पहले दिखाई दिया, और यहां पर हो रहा है फिर से शाम के खाने की तैयारी, मतलब कि कुछ वहां पर तो फिर नॉनवेज बन रहा है, उधर नहीं दिखाएंगे। बाकी जो यहां पर है यहां पे पकौड़े हो गए, शायद मुझे लग रहा है कीर्तन वालों के लिए बनते होंगे, मे बी पकौड़े ही बन रहे ना पकौड़े, तो यहां पर पकौड़े बनाए जा रहे हैं कीर्तन वालों के लिए, जितने भी लोग कीर्तन कर रहे हैं उन सबके लिए पकौड़े। तो अंकल जी कुछ कह रहे हैं कीर्तन पार्टी की पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी है, और दिन ये है प्याज पका हुआ प्याज, अच्छा कांदा कांदा, जब महाराष्ट्र में कहते कांदा, इसे दिन में बना लिया था ना, इसे बनाया था
वैसे क्या बोलते हैं इसको बनने के बाद में? ये बनेगा मसाला प्याज का। नहीं नहीं, जैसे भुनने के बाद में रेडी बनेगी ग्रेवी। अच्छा, बस सब्जी की आधी ग्रेवी। हाँ ये तो है। इसके बाद बेक होने के बाद ये आप इसके लजीज स्वाद का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे शायद मैं भी चिकन छाना गया ना। बढ़िया, अभी हम ऐसा करते हैं कि गांव घूमने चलते हैं यार, गांव दिखाते हैं थोड़ा। और जहाँ पे ये कुत्ता तो नहीं आता है, आता तो नहीं है। अच्छा, तो दिन के टाइम पे यहीं पे खाना खाया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्यारी बकरियाँ। बढ़िया, साथ में गाय और बछड़ी ना। मामा जी वहाँ बैठे। तो ये रहा भाई गांव, और हम जाने वाले हैं घूमने के लिए इस साइड से, पीछे की साइड में जाएंगे और कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो ऊपर भी जाएंगे फिर ना। आ गए आप कीर्तन में? हाँ कीर्तन। अच्छा, वीडियो बना रहे हो? हाँ। तो सुबह कह रहा था ना मैं कि ऊपर के साइड में लोग कह रहे थे दरअसल काफ़ी अच्छा एरिया, तो गया नहीं अभी तक वो देख कर मतलब जब खुद जाएंगे तब पता चलेगा भाई कि कैसा एरिया। पहले ऐसा करता नीचे चलता है और नीचे से थोड़ा घूम के आते हैं। बाकी एक प्यारी चीज़ बताता हूँ यार, यहाँ पे मैंने दरअसल जब मैं दिन के टाइम पर जा रहा था तो उस टाइम पर देखी थी भाई, ये तिवरी देखो, ये वाली कितनी प्यारी है ना, पुराना कल्चर मतलब अभी तक है यहाँ पर भी यार। बस गाय मार देना है, ते वाली तिबरियाँ देखो यार क्या सही है। गांव में जैसे देख रहे हैं ना एक अच्छे जगह से जहाँ से घर दिखाई दे रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब पहले टाइम पर और अभी के टाइम तक, मतलब इवन अभी के टाइम तक अच्छी खासी तिबरियाँ आई गांव में ना बहुत सारी, क्योंकि जो उस साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 3 दिखाई दे रही है वहाँ पे, सॉरी चौथी यहाँ पे ऊपर है, एक वहाँ पे भी है। तो तिवरियाँ यार काफ़ी है भर भर के, पर डर यही है कि जाएंगे तो कुत्ते कुत्ते ना हो बस किसी के घर पे। बाकी कोशिश करेंगे वो वाली तिवरी है ना जो वो ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है भाई, वहाँ पे शायद रहते भी हैं, उसका मेंटेनेंस भी हो रखा है ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। गाँव से थोड़ा सा आगे को आया हूँ और आगे में लोगों ने शायद यहाँ पे खेती कर रखी है, मतलब कोई सब्जी सुब्जी उगा रहा होगा तो इस एरिया में खेती कर रखी है। और वहाँ पे कुछ फिश पॉन्ड भी बना रखे हैं, 4 पॉन्ड बना रखे हैं, किसी ने वहाँ पे रहने का भी बना रखा है, जिसका होगा मतलब वहीं पर रहता होगा ना। बाकी इस साइड में भाई उधर को पता नहीं कौन सा गाँव है यार, अब अपने को भी ज़्यादा पता नहीं कि कौन कौन से गाँव है ना इस एरिया में, एक ही गाँव का नाम पता है वो है रैदुल बस, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा गाँव लग रहा है मुझे। वहाँ पर भी कुछ छोटा सा ही गांव है, उधर भी छोटा सा ही गांव दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा बड़े गांव लग नहीं रहे। रोड अभी तक भाई कच्ची है, मतलब कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद में भी यहाँ पे रोड कच्ची है, और हमारे वहाँ पे गांव में मतलब 15-15 लोग हैं, 20-20 लोग हैं, लेकिन रोडें पक्की हो गई भाई सारी की सारी, ये तो है। और सामने वो जो आपको मार्केट दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा एक वो दिखाई दे रहा है, वो पसुंडा खाल मार्केट है दरअसल। और जो बारात ने जाना है, बारात ने वहाँ से मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर आगे जाना, बस नज़दीक ही है। यहाँ से अगर पैदल जाएंगे तो पैदल 10 मिनट मुझे लगता है पैदल लगेंगे 10 मिनट, और बाइक से आएंगे अगर इस पे घूमते हुए तो कम से कम आधा घंटा लगेगा बाई रोड आने में, उससे अच्छा कि पैदल ही आओ, ज़्यादा फिटनेस अच्छी रहेगी।